हाँ तो भाई, आज फिर से एक बार पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दोस्तों मैच आ चुका। तो आइए इस मैच का पूरा प्रेडिक्शन समझते हैं दोस्तों, क्या कौन कैसे करने वाला है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर बता दे तो भाई मैच नंबर कितना है, अरे हट रहे। हाँ तो भाई मैच नंबर है 27 और T20 का मैच है। अगर स्टेडियम की बात करें तो भंडारा स्टेडियम मोहाली, 20 अप्रैल 3:30 PM मैच खेला जाएगा। ठीक है, शाम को नहीं, यानी कि 7:30 का आदत पड़ा हुआ, 7:30 खेलने, कितने बजे 3:30 बजे खेला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बस हमेशा की तरह जैसे करते हैं वो चीज आदत डाल लीजिए कि भैया दोनों में से जीतेगा कौन, कमेंट बॉक्स में फट से लिखिए। दूसरा नंबर, एक वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से नजरे आंखें सब खड़ा करके देखिए कैसे कैसे कौन कौन क्या है, सारा कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ बताते हैं क्या क्या मिलेगा। देखिए पिच रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, कैसा पिच है, जो कि कहते हैं 50% जो है कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, किस टाइप से टीम बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब हेड टू हेड प्लेयर का कैसा है कैसा नहीं है, सामने मतलब किस टाइप का परफॉर्मेंस करता है टीम, सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इवरी प्लेयर स्टेटस एंड रिकॉर्ड, मतलब सारे प्लेयर का रिकॉर्ड और स्टेटस सब कुछ आपको सामने दिखने को मिलेगा। प्लेयर बैटल, मतलब कौन किसको आउट कर रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्लेयर परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, कितना कौन परफॉर्मेंस में है प्लेयर। जीएल टिप्स और 7वां नंबर में बेस्ट जीएल एंड एसएल टीम, मतलब 7 चीज आपके लाया हूँ। अगर 7 चीज मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट मांग लिया तो कोई ज्यादा बात नहीं मांगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं मांगा मेरे हिसाब से, बाकी अगर आपको लगता है कि हम उसे बहुत बड़ी बात मांग लिए तो मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें यहाँ पर तो टेलीग्राम की, तो भाई जो नए लोग हैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वीडियो जैसे चल रहा है वहाँ पर मोर पे क्लिक करना है, उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, खुल जाएगा आपके सामने, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक ऐसे दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैनल खुल जाएगा टेलीग्राम का, ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आकर के एक यहाँ पर भी लाइक मारना है, फिर ये सेवा लगेगी आपको। हाँ, इसमें भी पैसा लगता है मेरा, तो आपको नहीं भी देना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर हम दिल से है तो फिर दे सकते हैं, कोई हम मतलब रोकेंगे भी नहीं, जो आ रहा भाई उसको आने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डाल देना। ओके, अब रही बात चैनल की, तो ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी चैनल जिसपे आप देख रहे हैं, जो कि सभी का ये चैनल है, और इस पर बहुत जल्द अभी आपका जो है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा दया दृष्टि दिखा देंगे तो 1 लाख बहुत जल्दी, मतलब 10 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, सिल्वर प्ले बटन आएगा अपने हाथ में। अरे भाई, मतलब क्या ही वो दिन रहेगा जो मेरे हाथ में सिल्वर प्ले बटन हो यार, नहीं चाहते मेरा सपना पूरा हो तो बिल्कुल यार, एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी को आज ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ये तो फायदा होगा एक। ठीक है, जिसके सिल्वर प्ले बटन आएगा, दूसरा फायदा जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगा भाई। ठीक है, जिससे कि आप देख करके अच्छा खासा टीम अपना आप बना पाएंगे। ठीक है, जो भी चीज होती है, अगर टीम बनाने में जो चीज का जरूरत पड़ता है वो चीज वीडियो में है, बाकी हम अलग से कोई चीज नहीं ला के देने वाले, जो है है। जैसे मान लीजिए दाल बनाना भैया, तो दाल में दाल पानी नमक तेल हल्दी चाहिए ना, तो वो चीज इसमें है। अब बनाने वाले के ऊपर भैया कैसा बना पा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ओके, देखते हैं आज का दाल कैसा बनता है भाई। यहाँ पर देखिए पिच एनालिसिस की बात करते हैं, पिच यू। ठीक है, अब यू हो गए, क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया स्टेडियम। एवरेज स्कोर क्या है यहाँ पर, 160 से 180 एवरेज। ठीक है, मतलब एक मिनिमम, जैसे नहीं आदमी कमाता है मिनिमम कितना है भैया, हम 15 कमा लेते हैं भाई, हम 20 कमा लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है, किसी महीने में 30 कमा रहा है, किसी महीने में 200 कमा रहा है, मगर मिनिमम उसका 20 है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो 240 यहाँ पर रन बने हैं। ओके, लोएस्ट स्कोर 60, रन नहीं भी बने हैं यहाँ पर। एक बार को अगर बैट्समैन हावी हुआ है तो एक बार को यहाँ पर बॉलर भी हावी हुआ है। ठीक है, पिच सुटेबल फॉर बैलेंस पिच दोस्तों रहने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इसके वजह से बैलेंस इसको किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे समझेंगे और भी कैसे बैलेंस होगा, किसको लेके चलना, अपने को सब कुछ समझ में आएगा, देखते जाइए बस। देखिए अगर वेन्यू T20 स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो टोटल मैच हुआ है 58, फर्स्ट बैट वॉन किया 25, ट्वेल्थ बैट वॉन किया 33 बार वॉन किया। ठीक है, मतलब वो 25 तो ये 33, मतलब यहाँ पर चेस हो रहे हैं ज्यादा। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न पर अगर नजर डालें तो बिलो स्कोर 150, मतलब 12 बार बना है, मतलब कि बेलो मतलब 150 से नीचे 12 बार बना है, बिटवीन 150 से 169 कितना बार बना है, 16 बार बना है, यहाँ पर फिर बिटवीन 170 से 189 21 बार बना है, और एबव 190 से ऊपर कितना बार बना है, 9 बार बना था। मेरे हिसाब से भी अब की बार जो है कि रन बिटवीन 170 से 189 के बीच में रहने वाला है, आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट बॉक्स को खुला रखा कीजिए। ठीक है, उसको खोल कर रखिए आराम से, इन द हार्ड लिखिए उसे फट से कितना बनने वाला है, मेरे हिसाब से 170 से 189 के बीच में। ठीक है, आपका देखता हूँ कितना बनने वाला, आप भी थोड़ा सा गेस किया कीजिए, गेस करने से अंदाजा मिलता है कि हाँ भैया किस टाइप का प्लेयर को लेकर जाएंगे। ठीक है, आप टीम अप लिखे होंगे, ये टीम जीतेगी, आप क्यों लिखे हैं वो भी आपके दिमाग में खुलेगा,
कि हम क्यों लिखे हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ हर चीजों को। ओके, अब देखें यहाँ पर आपके सामने ये ग्राउंड जो कि हमने नया आपके लिए लाया है कि भाई मिले तो हर चीज मिले, ना मिले कुछ ना मिले, ठीक है। तो भाई ग्राउंड आप देख सकते हैं कितना मीटर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर देख सकते 75 मीटर यहाँ पर है, 74 यहाँ पर, 79, 44 यहाँ पर है, ठीक है, फिर यहाँ 62 है ना, देख सकते हैं आपको आगे पीछे दाएं बाएं सारा ग्राउंड का हम डायमेंशन आपके सामने लेकर के आ गए हैं। इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कौन बैटर कितना खतरनाक मार पाता है, कितना कम जगह में खेल पाता है कि ज्यादा जगह में खेल पाता है, कौन इस साइड में मारता है, जो इस साइड में मारेगा भाई उसका अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि इधर में छोटा सा बाउंड्री थोड़ा सा छोटा है, इधर में 75-74 इधर थोड़ा सा लंबा है कि नहीं, है ना, यहाँ पर लंबा है ना भाई, वो चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ तो भाई रिसेंट मैच एट वेन्यू, मतलब इस वेन्यू मतलब क्या होता है, स्टेडियम ग्राउंड, ठीक है, वेन्यू का मतलब भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई वेन्यू क्या है, वही होता है स्टेडियम और ग्राउंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर भाई 13 अप्रैल 2023 को मैच खेला गया, चार मैच का हम कंपेयर करेंगे, देख लेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो PBKS 153 रन मारा 8 विकेट गवा करके 20 ओवर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, GT 154 रन मार दिया यहाँ पर 4 विकेट गवा करके 19.5 ओवर में मैच को जीता है, ठीक है, मतलब चेस करते हुए यहाँ पर टीम जीती है एक टीम। पेसर्स 5 बॉल 5 विकेट और स्पिनर इसमें 1 विकेट ले गया, ठीक है, पेसर यहाँ पर 3 और स्पिनर 1। अगर एक मैच को हम देख लें यहाँ पर, हमको लग रहा है कि पेसर यहाँ पर चलने वाले, क्योंकि ये डाटा दिखा रहा है अगर 5 और 3 8 पेसर ले गया विकेट तो 2 स्पिनर ले गए, राइट, इसलिए ये डाटा लेकर आया जाता है। और इसमें सेकंड टीम जितने जो है कि सेकंड टीम जो बैटिंग कर रहा है, फर्स्ट एक एक मैच को देख रहे हैं हम, तो 4 विकेट गिर रहा है सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले का 8 विकेट गिर रहा है। ओके, समझ में आया ना यहाँ पर ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 19 का ये मैच है, सीएसके 170 रन मारता है 5 विकेट में और 20 ओवर खेल करके, ठीक है। उसके बाद PBKS क्या करता है, 173 4 विकेट गवाता है और 20 ओवर में मैच को जीत जाता है। अब यहाँ पर भी सेकंड इनिंग में विकेट एक ही मगर गिरा कम, अगर गिरा है कम, ठीक है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4। अब इसमें देखते हैं कौन पेसर कौन स्पिनर है, ठीक है। पेसर अगर फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ले गया, स्पिनर यहाँ पर 0 ले गया, और 2 में पेसर 0 है तो स्पिनर 4 ले गया, मतलब यहाँ पर भी अगर मान ले एक बार को तो पेसर का 5 विकेट है, एक आगे है यहाँ पर, ठीक है। वही इस टीम से सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 4 स्पिनर ही ले गए। अगर PBKS की बात करें, यहाँ पर सेकंड बैटिंग किया ना, तो CSK का मतलब स्पिनर सिर्फ 4 विकेट ही लेके गए हैं, बस ज्यादा नहीं ले गए। CSK में हो सकता है शायद खाली स्पिनर भरा हो उस समय, इसलिए 4 विकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मगर रिसेंट का हमको इसको लेके चलना अभी 2023 का, ठीक है। अब एक और 23 का आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए PBKS वर्सेस KKR, ठीक है, 191 रन मारा, ओके, 5 विकेट गवाया 20 ओवर में। अब यहाँ पर क्या है, 146 रन चेज नहीं कर पाई, 7 विकेट गवा दी, 16 ओवर में मैच को खत्म कर दिया। हो सकता है बारिश वगैरह कुछ आया हो, ठीक है, मतलब कि मैच को यहाँ पर बंद कर दिया गया। फर्स्ट पेस कितना, 3 ले गया है, स्पिनर 2 ले गया है, 2 एंड पेस में 5, स्पिनर 2। यहां से भी समझ में आता है कि पेसर थोड़ा ज्यादा लेकर के जा रहा है विकेट को, ठीक है। एक और है 19 का, PBKS KKR के बीच में 183 6 विकेट और 20 ओवर, अब 185 3 विकेट और 18 ओवर में मैच को जीत लिया चेस करते हुए, ठीक है, मतलब चेस करते हुए यहाँ पर 3 मैच को जीता गया, 1 2 3 यहाँ पर सिर्फ, मतलब ये पूरा मैच ही नहीं हुआ तो इसका हम क्या ही मतलब निर्णय ले, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम पूरा ब्लैक होल में डाल देते हैं अभी, ठीक। उसके बाद फर्स्ट में पेसर जो है कि 4 और स्पिनर 1 ले गया, 2 में पेसर 2 और स्पिनर 1 लेकर गया है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं। मतलब हम ओवरऑल मैच को अगर मिला करके देखें तो ज्यादातर पेसर यहाँ पर कमाल करते दिखाई दिए, ठीक है, स्पिनर कम लेके गए। ओके, चलिए आगे अगर बात करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा ना, मैं स्क्रीनशॉट नहीं देने दिया आपको, ले लीजिए, एक ले लेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से जब टीम बनाएंगे तो। ओके, चलिए ले ली होंगे मेरे हिसाब से। ओके, ये देखिए अब पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन दोनों के बीच हेड टू हेड, मतलब आमने सामने जब टकराव हुआ तो क्या हुआ है भाई, टोटल मैच कितना हुआ है, 30 हुआ है, ठीक है। पंजाब 17 बार वॉन किया है तो बेंगलोर 13 बार सिर्फ वॉन किया है, ठीक है, हम आमने सामने, मतलब 13 बार जीता है बेंगलोर तो पंजाब 17 बार जीत चुका है, ठीक है, इनसे मतलब आगे है 4 बार पंजाब। अब पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच अगर हुआ है दोनों, ये देखिए रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, रिसेंट विन लॉस लॉस विन विन लॉस विन लॉस लॉस विन, ठीक है, मतलब 1 2 3 यहाँ पर विन किया है पंजाब 5 में से, तो यहाँ पर ये बेंगलोर क्या किया, विन किया 2, 5 में से 2 मैच विन किया, इसमें जीत करके कौन आ रहा है, पंजाब जीत करके आ रहा है, बेंगलोर लॉस करके आ रहा है, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने पॉसिबल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शिखर धवन कैप्टनसी करते नजर आएंगे। शिखर धवन का जैसे ही नाम आता है मेरे दिमाग में एक चीज आता है, भैया जानते ही होंगे, जानते हैं, लिखिए कमेंट में, जो पुराने होंगे पक्का जानते होंगे ये शिखर धवन हमारे में क्या है ना,
लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप बोलेंगे नहीं यार छोड़िए, जो नया लोग कम से कम कमेंट देख के जाने कि हाँ हम दोनों का क्या चलता है, ठीक है? उसके बाद जितेश शर्मा आपको क्या कीपिंग करते दिखाई देंगे, तो आइए रिकॉर्ड जानते हैं भाई, ठीक है? रिकॉर्ड तो बताना पड़ेगा मेरे को इनका ना, भले कुछ भी हो मगर आपको तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो शिखर धवन LHB बैट्समैन है, मतलब लेफ्ट हैंड बैटर है, ओके। अब यहाँ पर दिस सीजन 4 मैच खेले, 233 रन है और 116.50 का एवरेज है इनके पास, ठीक है? हेड टू हेड में कितना है, मैच 27 और रन जो है कि 720 है, एवरेज जो है कि 32.73 का रहता है। वेन्यू की बात करें 17 मैच है, रन जो है कि 487 है और एवरेज 30.44 का है, ठीक है? रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, यहाँ पर 8 रन मारे थे, नबाद 99 था, नबाद 86 था, 40 और 37 है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब कह सकते हैं खतरनाक परफॉर्म आ गया इनका, फॉर्म जो होता है ना खतरनाक इनके पास अभी आ चुका है। हालांकि यहाँ पर वेन्यू पे 30 का ही एवरेज है 17 मैचों में और 27 का, यहाँ पर 27 मैच अगर हेड टू हेड खेला गया तो 32 का एवरेज है। तो एक बार को यार सोचना पड़ेगा शिखर धवन पर, मेरे टीम में तो बिल्कुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो आपको पता ही है, बाकी यहाँ पे एक बार इनके हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है? कैसा परफॉर्मेंस किया है, मैं तो भाई जान ही रहे ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें शॉट की, तो शॉट देखिए 3 मैच खेले, 71 रन है, 0 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, 1 मैच है, 36 रन है और 0 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 34, 36 पे 0, 1 और 0 पे 1 है, फिर यहाँ पर 0-0 है, मतलब परफॉर्मेंस क्या है 36 34 के बीच में 2 मैच से यहाँ पर चल रहे हैं शॉट। तो शॉट को अपने GL टीम में हम जगह देने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इनका तो भाई मेरे टीम में जगह रहता नहीं है, पता ही आपको, इसलिए हम इनको दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको अगर दे रहे जगह तो इनको आप हटा दीजिएगा, दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, ओके? चलिए आगे अगर बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं हरप्रीत भाटिया, तो 2-1 मैच है, 22 रन है, 22 का एवरेज है, हेड टू हेड में भाई यहाँ पर भाई लाल लाल दिख रहा है यार, यहाँ पर हरा करना पड़ेगा तब तो मजा आएगा ना। हेड टू हेड में 1 मैच खेले, 1 का ही एवरेज है और वेन्यू पे एवरेज की बात करें कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और वेन्यू पे भाई कुछ भी नहीं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 22, 27, 47, 13, 60 नबाद है। खिलाड़ी तो नया आ रहा है, ठीक है, मगर परफॉर्मेंस देखे तो एक बार सिर्फ नबाद 60 है, बाकी 13 यहाँ पर 47 है, 27, 22 है, मतलब कुछ कुछ रन बंदा दे के जा रहा है ना। तो हो सकता है इस मैच में थोड़ा सा काम कर जाए, क्योंकि नया आ रहा भाई, अभी उतना उम्मीदें नहीं लगा सकते हम, मगर हाँ फिर भी 27-22 अगर मिल जा रहा है तो इसका मतलब 30 से 35 या 40 पॉइंट आपको मिल जा रहा है इनसे, ठीक है? इसलिए हम अपने GL टीम में इनको हम जगह देंगे भाई 30 से 40 पॉइंट के लिए, बाकी अगर चल जाए बंदा ओवर ज्यादा तो कोई बात की बात है, अलग बात है, मगर हिसाब देख के लग रहा है कि ये हो जाएगा इतना, ठीक है? अब सिकंदर रजा की बात करें तो 4 मैच है, 79 और यहाँ पर विकेट है 2, ठीक है? हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच है, 16 रन है और विकेट 1 है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 57 पे 1 है, 5 है, 1 पे 0 है और 16 पे 1 विकेट है और 1 यहाँ पर है रन, ठीक है? मतलब कि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए इनको तो मतलब अपने GL टीम में लेके जाना पड़ेगा, मेरे को मजबूरी है ना भाई, क्या कर सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग जो दोनों बंदा कर रहा है और चौथे नंबर पर आ रहा है खेलने भी, हम लेके जाएंगे, ओके? हाँ चौथे नंबर पे इस, आप इसको कब लेके जाएंगे, आगे का हम 2 को ड्रॉप करेंगे तब, हो सकता है इनको ड्रॉप कर दे हम, है कि नहीं? ये हो सकता है हम शिखर को ड्रॉप कर रहे हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे, तो मेरे टीम में ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर शिखर का विकेट गिरता है तो उसके बाद इन लोग का नंबर अच्छे से आएगा, जो नंबर पे लोग खेलने आते हैं यहाँ पर धूमधड़ाका ज्यादा होता है, ठीक है? चलिए आगे अगर बात करें, जितेश शर्मा RHB बैट्समैन है, ये 5 मैच खेले हैं, 79 रन से और एवरेज क्या है भाई, यहाँ पर जितेश शर्मा का मैंने बात किया कर सिख शाहरुख खाना चंद, नहीं ठीक है ठीक है, क्योंकि 70 रन उनका भी था इनका भी था, इसलिए मेरे को लगा कि 79 रनों का बराबर चल रहा है क्या, कोई बात नहीं। एवरेज जो है कि 15.80 का है, ट्वेर में 1 मैच है, 9 रन है और 9 का एवरेज है, वेन्यू की बात करें 2 मैच है, रन जो है कि 46 है, एवरेज 23 का, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2, 25, 4, 27 और 21 है। अब जो लोग ध्यान से आगे देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कितना विकेट यहाँ पर लगभग में गिर जा रहा है, कि नंबर इनका आ जाए खेलने में जितेश शर्मा का, ठीक है? उसके हिसाब से टीम बनेगा अपना, ओके? चलिए आगे बात करें शाहरुख खान की, तो भाई 5 मैच 71 रन है और 23.66 का एवरेज है, हेड टू हेड में 3 मैच है, 40 रन और 20 का एवरेज है। वेन्यू की बात करें तो भाई 2 मैच है, 33 रन और 33 का ही एवरेज यहाँ पर रहा है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 23 यहाँ पर नबाद है, फिर 22 है, फिर 4 है, फिर 11 है और फिर 11 नबाद है। देखिए पंजाब की अगर बात करें, अगर शिखर धवन आउट यहाँ होते हैं तो उसके बाद इन लोग का नंबर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है? इतना है सच्चाई पंजाब की टीम में, ज्यादा बैटिंग जो है ना, मतलब कोई इतना गहराई से नहीं कर पाता, आपको मैं रिकॉर्ड दिखाया ना 5-6 लोग का भी ना, समझ में आ गया होगा किसी का ज्यादा लंबा नहीं दिख रहा शिखर धवन के छोड़ा कर, ठीक है? तो जो भी दारोमदार है शिखर धवन पर टिका हुआ है,
अगर शिखर धवन आउट होते हैं तो इधर मिलो को सबको बैटिंग का चांस मिलेगा, मगर वही है कि कोई 25-30 रन बना करके जाने वाला है बस, ज्यादा आपको इसमें से कोई देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सैम करन की बात करें तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर 5 मैच है 77 रन और 5 विकेट है, हेड टू हेड में 4 मैच खेले हैं, रन जो है कि 1 है और विकेट भी 5 है यहाँ पर। ठीक है, रन 1 है विकेट 5 है भाई हेड टू हेड। बेनू की बात करें 7 मैच है 135 रन और विकेट 9 लिए हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस में 6/3 है, 22/1 है, 22/0 है, 1 नबाद पे 0 है और 26 नबाद पे 1 है। देखिए अगर सैम करन को रख रहे हैं आप तो बॉलिंग के तौर पर रखिएगा, क्या बॉलिंग के तौर पर, ठीक है, बैटिंग के मतलब उम्मीद मत रखिए क्योंकि बैटिंग देख ही सकते हैं बहुत कम ही चल रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है सैम करन खेलते नहीं है, खेलते हैं, मगर बैटिंग की उम्मीद नहीं हमको रखना है। हाँ चल जाते वो तो बस मतलब बोनस पॉइंट है ना, ठीक है, मतलब उम्मीद हम रखेंगे बॉलिंग से इनको। ओके, काकिसो रबाड़ा की बात करें तो 2 मैच है 3 विकेट है और 8.75 का इकोनॉमी है और हेड टू हेड में 7 मैच खेले 16 विकेट लिए 7.21 का इकोनॉमी है। वेन्यू की बात करें 4 मैच है 3 विकेट है और 8.46 का इकोनॉमी है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 0। ठीक है, इधर अगर 2 मैचों को छोड़ दे 0 तो बाकी 2-1-2 मिलते आ रहा है रबाड़ा को। ठीक है, तो रबाड़ा के लिए हम 1 विकेट का तो कम से कम उम्मीद लेकर चल ही सकते हैं भाई, काकिसो रबाड़ा नाम ही काफी है। ओके चलिए आगे, अगर चले यहाँ पर राहुल चहर तो भाई यहाँ पर 5 मैच है 2 विकेट है और 8.20 का इकोनॉमी है। हेड टू हेड भाई मैच कितना खेले 8 और विकेट है कितना 6 लिए। ठीक है, 8.75 का इकोनॉमी है, 5-7 का है और वेन्यू की बात करें 2 मैच खेले 1 विकेट लिए और 7.20 का इकोनॉमी, मतलब इतना इकोनॉमी से रन खर्चा करते प्रति ओवर। ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। अच्छा के बॉलर अच्छा है भाई, बॉलर जो है कि आपको दिखाई देगा जब हम प्लेयर मैचअप दिखाएंगे ये कितने लोग को आउट करता है तो समझ में आए कि हाँ भाई बॉलर अच्छा है, मगर अपने परफॉर्मेंस से बंदा बस जूझ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग को हम खासकर स्पेशल अपने टीम में हम जगह देते हैं, क्यों कि ऐसे लोग परफॉर्मेंस कब कर जाए कोई पता नहीं होता। हाँ होता है भाई, रिस्क ले लेते हैं इनके ऊपर, कभी कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है हमेशा ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मान लीजिए जैसे कि यहाँ मान लीजिए 0 हुआ, यहाँ पर रिस्क लिए, यहाँ पर भी रिस्क मेरा फेल हो गया। ठीक है, मगर हम यहाँ पर भी रिस्क लेंगे क्योंकि ऐसे लोग को बहुत लोग छोड़ के भी जाते हैं और ऐसे लोग कभी कभी चलते भी है जो ज्यादातर मतलब 2-3 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम देते हैं अपने को रिस्क लेकर के, चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर बात करें हरप्रीत बरार की तो भाई 5 मैच है 2 विकेट और 6.41 का इकोनॉमी है। हेड टू हेड में 4 मैच है 4 विकेट और 7.33 का इकोनॉमी है। वेन्यू की बात करें 3 मैच है 1 विकेट और 6.38 का इकोनॉमी है और रिसेंट परफॉर्मेंस 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। देखिए यहाँ 3 मैच में 0 था, यहाँ पर 1-1 मैच आ रहा है तो इसलिए हम इनको जगह अपनी टीम में नहीं दे सकते भाई बरार को। ठीक है, क्योंकि इनसे अच्छा अच्छा हमको बॉलर मिलने वाले इसलिए हम नहीं देंगे अभी। ओके, हर्षदीप सिंह की अगर बात करें 5 मैच है 8 विकेट और इकोनॉमी 8.29 का है। हेड टू हेड में 4 मैच है 3 विकेट है 9.23 का इकोनॉमी है और यहाँ पर वेन्यू की बात करें 4 मैच है 6 विकेट और 9.15 का इकोनॉमी। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट, मतलब हर दिन 1-1 2-2 विकेट 3-3 विकेट परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंट बंदा लगा हुआ, बीच में छोड़ा नहीं है। विकेट टेकर भी इनको बोल सकते हैं तो गलत नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विकेट टेकर, लेना ही लेना विकेट किसी भी हाल में, तो बिल्कुल अपने GLSL टीम में तो रहना ही रहना ही है। ठीक है, हर्षदीप सिंह। ओके, आगे चले अगर यहाँ पर देख सकते हैं बेंच प्लेयर प्लस में इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट में कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, नेथन इल्स को भी इम्पैक्ट में डाल दिया भाई, कितना खतरनाक बॉलर है वो, है कि नहीं। चलिए आगे अगर बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं आपके सामने क्या स्टार्ट एंड डेथ, कौन कर रहा है स्टार्ट और कौन कर रहा है डेथ बॉलर समझ लीजिए इसमें। देखिए हर्षदीप सिंह स्टार्ट करेंगे, काकिसो रबाड़ा स्टार्ट करेंगे और सैम करन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सैम करन एंड करेंगे, काकिसो रबाड़ा एंड करेंगे, हर्षदीप सिंह एंड करेंगे, मतलब इन लोग का 4-4-4 12 ओवर फिक्स हो गया, बाकी बरार और कौन कौन है सब वो लोग को मिला करके 20 ओवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब हो सकता है बरार को हम ना ले, अब एक ही ओवर डालने आया, कम से कम मिल गया उसको विकेट, हम लोग क्या सोच के लेते हैं भाई ये जो 4 ओवर कर रहा है उसको लो, क्योंकि 4 ओवर में भाई 24 बॉल रहता है ना, यही ना सोच के लेंगे हम लोग भाई, हमको थोड़े पता अभी कि भाई बरार को विकेट मिल ही जाएगा, है कि नहीं, हम इसको लेते हैं इसलिए 24 बार इसको मौका मिलेगा, इसलिए इन दोनों को लेकर जाओ। और ज्यादातर देखा गया है कि लास्ट के मैचों में लास्ट जब जैसे मैच लास्ट होता है तो ये जो है इनको विकेट ज्यादातर मिलता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, एकदम कंफर्म है लास्ट के मैचों में। और स्टार्टिंग में 1-2 विकेट गिर गया तो गिर गया स्टार्ट के लिए, तो भाई ये बिल्कुल कंफर्म मेरे हिसाब से रहेंगे, ये जो है ना तीनों प्लेयर कंफर्म मेरे हिसाब से होने चाहिए आपके टीम में, जिससे कि लास्ट में हो तो लास्ट में, शुरू में तो शुरू में कम से कम विकेट मिल जाए। ठीक है,
आगे अगर बात करें देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर बैटल मतलब प्लेयर मैचअप कौन किसको किसको आउट कर रहा है। देखिए शिखर धवन को कौन कर रहा है भाई, पटेल जी भाई 23 बॉल फेंक करके 29 रन देकर के दो बार आउट किए, अहमद 9 बॉल फेंक करके 10 रन देकर के एक बार आउट किया, तो यहाँ पर हसरंगा कितना किया भाई 27 बॉल फेंक के 23 रन देकर एक बार आउट किया, सिराज 27 बॉल फेंक के 35 रन देकर के एक बार आउट किया। ठीक है, जितेश शर्मा कौन आउट करता है भाई, तो हसरंगा एक बॉल फेंक के 0 रन देकर के एक बार आउट कर लेता है भाई। ठीक है, और बाकी का प्लेयर मैचअप नहीं है। ओके, यही कमाई मतलब सबसे ज्यादा अगर गाज घिटने वाला तो यही है, तो इनके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, चार लोग का नजर रहता है इनके ऊपर, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, हर्षल पटेल है भाई। ठीक है, उसके बाद आपके लिए मैं बल्लेबाजी लेकर के आया, जिससे कि मैं रोज जीतता हूँ भाई 10-15 हजार, ज्यादा नहीं बोलूंगा 10-15 हजार रुपए रोज, अगर 10 हजार 5 हजार आप जीतते हैं तो कम नहीं आपके। ठीक है, अभी बस जाइए फट से नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फट से डाउनलोड कीजिए, कोई खाना खर्चा पानी नहीं मांगने वाला। ओके, इसमें खेलने पे क्या है, रिवॉर्ड भी आपको मिलते हैं। देखिए रिवॉर्ड खेलो हो जीतो, इसमें लॉस हो चाहे विन हो, इससे मतलब नहीं, अगर आप खेल रहे हैं आप तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, ये भी कोई कम नहीं है, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम भी दे रहा है बल्लेबाजी। ओके, उसके बाद अगर बात करें आईपीएल 5, यहाँ पर देखते हैं, अप्लाई करिए कोड 100 से 10 हजार रुपए डालिए, सैकड़ा हजार 10 हजार 10 हजार डालिए, 5% एक्स्ट्रा रियल डिपॉजिट कैश आपको मिलेगा, मतलब रियल डिपॉजिट आपका किया जाएगा 5% एक्स्ट्रा, क्या बात है भाई, अप्लाई नाउ। ओके, जल्दी एकदम डाउनलोड कीजिए फट से, बस हम बोल रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए तब तक आप। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लासिक में 39 का गेम में 5 लाख रुपए, यहाँ पर भाई कंपटीशन बहुत कम है, सबसे बड़ी बात यह है, आपको जितने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो हमेशा यहाँ से 4-5-10-20 ऐसे मतलब हमेशा रोज का कोई दिन कमी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमको खिलाता है कौन, ग्रैंड लीग खिलाता है ये, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से जीत के वहां लगाते हैं, नहीं तो भाई उतना घर में पैसा नहीं है कि आदमी लाएगा उसमें 10,000-20,000 5,000 झोंकते रहेगा, हजार महीने का 10,000 कम है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रैंड लीग क्या होता है ना, थोड़ा सा लक का भी खेल है, किस दिन लक लगेगा उस दिन आप जीतेंगे, मगर ये लक का खेल नहीं है, इसमें आप हमेशा जीत सकते हो। ठीक है, क्लासिक है, प्रिडक्टर सबसे मस्त, मेरा मतलब पसंदीदा चीज है तो प्रिडक्टर है। ठीक है, प्रिडक्टर में भाई हर बॉल पे, इस बॉल पे क्या होने वाला है, अगर मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि 4 ओवर भाई पंजाब खेल लिया, 5वां ओवर में कितना रन बनेगा आप आराम से बता देगा, अगर देख रहे हो सामने तब, है ना, अगर देख रहे हो सामने तो बता देंगे आराम से, आप उसमें जीत जाएंगे। यस नो 5, 9, 2, 2 जो डालना डाल दो यार अपने पैसा को, है ना, जो भी है ज्यादा इससे 5-10 रुपए डालने से बहुत बड़ा गरीब आदमी नहीं हो जाएगा, समझे, मेरे जहां तक मानना है। ओके, अगर फैंटेसी में खेलने आए हैं तो दिल खोल के खेलिए, जो काम करिए मन से करिए, नहीं करना मत करिए। ओके, ये सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके सामने ये प्रिडक्टर में पैसा कौड़ी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सब कुछ का ऑप्शन दोस्तों मिलता है, प्रिडक्टर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, आप आइए और खेलिए। सबसे मेन चीज अगर बताऊं आपको, स्पेशल चीज जो कि अगर बल्लेबाजी का टीम सुनता हो तो भाई अपना कान जो है कि बंद कर लेंगे। ठीक है, और सुनते जरूर जरूर होंगे, मैं जान रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं वीडियो में, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो है सो है। इसमें सेकेंड इनिंग की टीम जो है ना, देखिए ये जो है किसी भी मैच का टू एंड इनिंग जो होता है ना, ये वाला, इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर 20, 25, 10, 5 मतलब ऐसा करके टीम आपको हर दिन क्यों देता है, ये जो आप क्लासिक खेलते हैं ना उसका रिवॉर्ड आपको देता है। ठीक है, इससे आप 20, 25, 50 टीम बना करके पर डे, इसमें सिर्फ 7 प्लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आएगा और सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग करने आएगा, आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट इनिंग में कैसा पिच बिहेव किया है आपको समझ में आता है कि भाई बॉलिंग चला है कि बैटिंग चला है, जब फर्स्ट इनिंग हम देख लिए हैं तो सेकंड इनिंग का हमको पता चलेगा बैटिंग चला तो भाई बैटर से हम ले लेंगे 3-4, अब बाकी 3-4 बॉलिंग से ले लेंगे, 7 हो गया हमारा। इसमें आप फ्री में टीम बना सकते हैं सेकंड इनिंग का, क्या है इसमें फर्स्ट प्राइज को 10,000 रुपये मिलता है, कौन देगा आज के जमाने में, कोई देगा क्या, इसलिए बोल रहा हूँ मैं लाया हूँ यार, मैं और कोई नहीं लाया, मैं कभी आपका भला मतलब सोचूंगा हमेशा, समझे, कभी बुरा नहीं सोचता कि भाई हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है मेरा, ये जो है ना एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी ये चैनल नहीं, एक मतलब कह सकते हैं पेशेंस है। ठीक है, आपको लगता होगा जब भी आते हैं इस पर तो लगता होगा हाँ अपना टाइप का कोई बंदा बता रहा है मेरे को, ये नहीं है कि बस हम जो बता दिए बस हो गया बात खत्म, आ गया आप जाओ उधर हम जाओ उधर, ये चीज मेरे अंदर नहीं रहता। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, आप इसमें आइए खेल के देखिए, बस इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए बल्लेबाजी को और कमेंट बॉक्स में पिन किया और फर्स्ट नंबर पर। ओके, जल्दी कीजिए, 50 रुपये साथ में मिलेगा ही मिलेगा, आप खेल के एक बार देखिए बस, उसके बाद मेरा नाम ना लिए दोबारा तो आके बोलिएगा हाँ भाई कुछ बताए थे आप, हमेशा हम तो मान रहे हैं कि अगर आप 10,000 रुपये एक फर्स्ट प्राइज नहीं उसमें ले लेते हैं, हम जानते हैं कि 500 रुपये आप कहीं नहीं छोड़ेंगे। अब मान लीजिए 20 टीम आप बना रहे हैं तो 500 रुपये करके एक एक टीम का अगर जोड़ ले तो कितना हो जाता है कि नहीं, आराम से यार आराम से 10,000 रुपये निकल जाएगा आपका, आप खेल के देखिए तो सही पहले। उसके बाद अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है,
देखेंगे फाफ डुप्लेसिस अपना कैप्टनशिप करते नजर आएंगे इसमें और दिनेश कार्तिक अपना कीपिंग करते आएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में कौन कौन कैसे। देखिए यहाँ पर आप ऑलराउंडर का भी देख लेते हैं, कौन इसमें ऑलराउंडर है और कौन सिर्फ बॉलर है। ठीक है, सब कुछ आता है भाई अपने वीडियो में, कोई चीज का ऐसा कमी नहीं रहता। बस कमी यही रहता है कि आप किस हिसाब से देख करके टीम बना रहे हैं, बस आपके अंदर है कमी। ओके, इसलिए देखिए बढ़िया से और सही से टीम बनाइए, बाकी हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं भाई। आप डुप्लेसिस की अगर बात करें, देखिए 5 मैच है 259 रन है, 64.75 का इकोनॉमी है, 12 में 17 मैच खेले 758 रन है, 58.31 का इकोनॉमी है और एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब रहता है। वेन्यू की बात करें 3 मैच खेले, रन जो है कि 218 है और एवरेज कितना है 72.67 का। रिसेंट परफॉर्मेंस में 62-22, 79 नवाद है और 23-73 है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, कोई खराब उतना नहीं है। बस एक बार 73 तो यहाँ 23 तो यहाँ 79 तो यहाँ 22 यहाँ 62। ठीक है, मतलब एक बार कम एक बार बेसी, एक बार कम एक बार बेसी फाफ चले हैं। उसके बाद विराट कोहली की बात करें, देख सकते 5 मैच है 220 रन और 55 का एवरेज है, हेड टू हेड भाई 29 रन और 802 रन है और 33.85 का इकोनॉमी एवरेज है, सॉरी एवरेज। ठीक है, साला एसिया नहीं लगा, बड़ी तेज गर्मी लग रहा है भाई, कसम से बता रहा है, कल लग जाएगा तो मस्त मूड थोड़ा सा फ्रेश रहेगा यार। अब गर्मी साला दिमाग आदमी काम नहीं करता, बोलना क्या था मुंह से निकल रहा क्या है कि नहीं। वेन्यू की बात करें 10 मैच है, रन जो है 343 है और एवरेज 42.88 का। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 6 है 50 है 61 है 21 है 82 नवाद है। दोस्तों देखिए अगर आप इसको इन दोनों को सोच रहे हैं एक बार रखने को, तो फिर मेरे हिसाब से गना गलत रहेगा। ठीक है, आपको अगर रखना भी है तो एक टीम में आप इन दोनों को रखिए, दूसरा टीम में फोड़ दीजिए आप। ठीक है, कम से कम इस मैच के लिए मेरे हिसाब से 3 टीम बननी चाहिए, मगर हम तो ज्यादा टीम से खेलने वाले इस बार इस मैच में। ठीक है, क्योंकि हम कुछ अलग लेके आ रहे हैं, पूरा इस बार चेन हमको बनाना है, जो भी खिलाड़ी का है चेन से हम खेलेंगे साले को, देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके, तो अलग हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। बाकी आप अगर 3 से खेल रहे हैं तो एक में दोनों रहेंगे और एक में एक रहेगा, एक में एक रहेगा, ऐसा करके आपका टीम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, देख सकते हैं 5 मैच 176 रन है और विकेट है 1, हेड टू हेड में 5 मैच है, रन जो है कि 104 है और विकेट 1 लिए है। वेन्यू की बात करें 22 मैच खेले हैं, 355 रन है और विकेट 5 लिए है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 76-1 है, 24-59, 5-12-0। देखिए ये भी बंदा मतलब इधर से नहीं चल रहा था, यहाँ पर एक ही बार 76-1 साथ में ले गया था। ठीक है, उसमें अपना मैक्सवेल कैप्टन भी था, मजा आ गया था भाई, ऐसा ऐसा होता है कहानी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं माही पाल की, तो भाई 3 मैच 76 रन और विकेट यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा है, हेड टू हेड में 3 मैच 58 रन और विकेट 0 है। वेन्यू पे कुछ नहीं खेले हैं आज तक और रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 0-26-14 नवाद, फिर 0 है, फिर 5-1 है। माही पाल मतलब उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे इस आईपीएल, तो मेरे मतलब टीम में ऐसा बंदों का खोज रहता है, इसलिए मैं अपनी टीम में जीएल में लेके जाऊंगा। पूरा काफी रिस्क रहता है, देखिए मेरे ऊपर हम रिस्क लेके चलते हैं, इसलिए 2 लाख 3 लाख 5 लाख आता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा रिस्क अगर ना ले जाए ना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जीएल हम खेल रहे हैं, हम झंडू मंडू चीज नहीं खेल रहे। ठीक है, हमारे टीम में रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मगर हाँ इतना बोलूंगा कि ऐसे लोगों पर रिस्क रहता है, आपके डूब भी सकते हैं उब भी सकते हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा इस चीजों पर। ओके, चलिए अगर आगे बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, बात कर ले ग्लेन मैक्सवेल भी आप लेकर के जाएंगे अपनी टीम में। ओके, क्यों, क्योंकि भाई ये बाउंड्री जो है उस टाइप का ग्लेन मैक्सवेल को सूट करेगा। ठीक है, ये खेलेंगे उसमें अपना मैच। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें शहबाज अहमद की, तो 5 मैच 33 रन और विकेट 0 है, हेड टू हेड में 4 मैच 25 रन और विकेट 3 है। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 12-20 नवाद पे 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर 1-0 है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं। देखिए शहबाज अहमद का भी कंडीशन वही चल रहा, सेम मतलब कंडीशन वही चल रहा। अब मान लीजिए इस मैच में अगर विराट और फाफ गए तो उसके बाद इन सब का नंबर आएगा, इन्हीं सब के कंधों पर पूरा जिम्मेदारी रहेगा, इसलिए इनको 5वें नंबर पर रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया। ठीक है, इसलिए हमारे टीम में भी ये एक पिक हो गए, मतलब हम किसी भी मिला जुला के किसी भी हाल में कम से कम 3 से 4 रिस्की प्लेयर लेके जाते हैं जो हमको जिता भी सकते हैं, अगर जैसा इनका हाल अभी है उसी टाइप जो उस मैच में भी रहा हाल जो होने वाला मैच, तो हम हार जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हम लेके चलते हैं 4 खिलाड़ी को। ऐसा दिनेश कार्तिक की बात करें, 5 मैच है, रन जो है कि 38 रन है और 9.5 का एवरेज है, 5-0 का, हेड टू हेड में 28 है 623 रन मारे हैं। ठीक है, एवरेज कितना है 32.79 का। और वेन्यू की बात करें 14 मैच खेले, रन जो है कि 272 बना हुआ, एवरेज 30.22 का। रिसेंट परफॉर्मेंस में 28-0-1 नवाद और 9-0। देखिए कार्तिक का भी सिस्टम वही चल रहा है। अब क्या जो मैं शहबाज के बाद बताया, एक पीछे जो प्लेयर का नाम लिया, इन दोनों में से एक हमारे पास रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हम
इसके ऊपर भी रिस्क लेकर जा सकते हो, नहीं तो इनको मल्टीपल टीम में रिस्क हम दे सकते हैं दूसरे टीम में, ठीक है। मतलब रिस्क तो कम से कम चार होने चाहिए जीएल के लिए, तभी हम जीएल के लिए उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो जीएल कभी जिंदगी में नहीं आप जीत सकता। हम लिख के देते हैं आपको, अगर रिस्क ना लिए आप तब, समझे, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क में आदमी हमेशा सक्सेस नहीं होता, मगर जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है, लेवल अलग होता है उस दिन का। देखिए एक दिन के सक्सेस में क्यों ये सब लेकर के आ गए, कल लग जाएगा, कल मस्ती से वीडियो बनाएंगे, है ना। ये होती है रिस्क का मतलब, होता है भाई। ये क्या है? मैच हम जो बता रहे हैं ना कि भाई विराट है फाफ है, हो सकता है विराट फाफ ना चले, कोई लिखित नहीं आता है कि भाई विराट है तो फाफ चलवे करेंगे, इन लोग का नंबर आएगा चल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होता है इन लोग का, और वो लोग का सिलेक्शन परसेंट भाई 90% तो कोई 80% लेके जाता है, चलेंगे भी तो भाई 80% लेकर साथ रहेंगे, ठीक है। अगर हम उनको नहीं लिए हैं, अगर ना चले वो, हम इनको लिए जो 10% वाला है, तो सोच सकते हैं हम 10% के साथ रहेंगे साला, क्या बात है भाई। यही सोच करके हम बनाते हैं उसमें, और कोई बात नहीं, ये जब चल जाता है तब काम हो जाता है। हसरंगा की बात करें भाई, दो मैच है, दो रन है, और ठीक है विकेट भी दो ही है, और हेड टू हेड में दो मैच खेले, एक विकेट है और विकेट यहाँ पर तीन है, ठीक है, रन मतलब एक है। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-1, 0-0, 21 नबाद पे 2 है। देखिए हसरंगा बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, हसरंगा बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए हसरंगा भी हमारे जीएल पिक के लिए रेडी है, ठीक है। मगर हम वही चीज बता रहे हैं कि हम मल्टीपल बनाते हैं, इसलिए इसमें से हो सकता है 11 की जगह हमारे 16 प्लेयर मतलब सिलेक्ट होते हैं, 16 को हम डिवाइड करते हैं एक एक करके मल्टीपल टीम में, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पिक हो जाएंगे ये, ठीक है। हर्षल पटेल की बात करें, 5 मैच 6 विकेट है, 10.75 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 9 मैच खेले 11 विकेट है, 10.06 का इकोनॉमी है। और वेन्यू की बात करें, 7 मैच खेले, विकेट है 9 और इकोनॉमी 9.92 का है, और परफॉर्मेंस क्या है, 1-1, 2-1 और 1, मतलब विकेट टेकर बॉलर कह सकते हैं हर्षल पटेल, देख सकते हैं आपके सामने है ना, कोई कहीं पर मिस नहीं है इनका, तो भाई बीयर में रखना पड़ेगा हमारी टीम में, है कि नहीं। मतलब एक ही विकेट दो विकेट मिल जा रहा है, मिल जा रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रही है प्रॉपर, इसलिए रखना पड़ेगा अपने को, ओके। अब यहाँ पर बात करें वाइन परनेल की, तो भाई 3 मैच खेले हैं और विकेट जो है कि 5 लिए हैं, और इकोनॉमी 9.75 का है, 12 में 3 मैच है, विकेट है 3, इकोनॉमी 6.33 का, 3-4 का सॉरी, अब एनडू पे 1 मैच है, 2 विकेट है और इकोनॉमी 3 का है भाई। मतलब क्या मैं कहूँ इनके बारे में बताइए, आपको दिखने लगता होगा वेन्यू मतलब क्या होता है, उसी जगह खेलना जहां बंदा खेलने जा रहा है वहां पर कैसा स्टेटस है, मतलब सब कुछ तो है इसमें। आईपीएल का दिख जा रहा है आपको पूरा दिस सीजन, हेड टू हेड दिख जा रहा है, वेन्यू दिख जा रहा है, रिसेंट परफॉर्मेंस बचा कैसे आपको, वहां पिच हम दिखाई दिए, सब कुछ दिखा दिए, 4 मैचों का कंपेयर दिखाई दिए, है क्या चीज, आप क्या मांगते हैं हमसे बताइए, क्या लागत है इसमें, आप कुछ मेरे हिसाब से नहीं छूटता है, ठीक है। बाकी आपका देखने का नजरिया कैसा हुआ आप समझ सकते हैं अपना, ठीक है। तो वेन्यू पे क्या है, 1 ही मैच खेले, 2 विकेट है, यहाँ पर विकेट 2 है, इकोनॉमी सिर्फ 3 रन का है, कितना अच्छा है कि नहीं। और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1-1, 3-0 और 2 है, तो मतलब 3 मैच खेले, 3 विकेट भी लिए, 6.34 का बहुत अच्छा इकोनॉमी कर सकते हैं, बाकी लोग का तो 9 है, किसी का 10 है, और यहाँ वेन्यू पे सबसे अच्छा है कि 1 ही मैच खेल के 2 विकेट लिए, बिल्कुल हमारे जीएल में पिक है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें यशक की, तो देख सकते हैं यहाँ पर विजय कुमार यशक, तो यहाँ 2 मैच है, 4 विकेट है, 10.25 का इकोनॉमी है, ट्रेन में कुछ भी नहीं है। वेन्यू की बात करें, 4 मैच है, विकेट है 7 और 6.64 का इकोनॉमी, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-3-0, 2-3, देखिए 3-3-2, मतलब बंदे में दम है, क्या है, बंदे में दम है, मगर उस मैच में नहीं चला, पिछला मैच में देखे थे ना कि नहीं चला है यार, यहाँ पर दिखा रहा है ना चला था, 1 विकेट लिया, ठीक है, मगर बंदे में दम है, इसलिए जीएल में हमारे पिक ये होंगे, ठीक है। चलिए अगला, में अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद सिराज, कौन नहीं जानकर जानता है इनको, ये भी विकेट टिकर बॉलर है, 5 मैच है, 8 विकेट है, 7 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 7 मैच खेला है, 4 विकेट है और 11.66 का इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी बोले ना कि इकोनॉमी इनका हाई रहता है, ठीक है। विंडो पे 1 मैच है, 1 विकेट है, 13.50 का इकोनॉमी, मतलब प्रति ओवर 13.5 रन दे रहे हैं, ठीक है। और उनका क्या देखा था, 6 रन, क्या बात है भाई, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-2-3-1-1, मतलब 1-1, 2 बार फिर 3 फिर 1, मतलब विकेट टिकर ये भी हैं मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज का हम देखेंगे भाई, अगर सिलेक्शन परसेंट ज्यादा है एक बार को हम इनको छोड़ भी सकते हैं, सिलेक्शन परसेंट देखना पड़ेगा सबसे बड़ी बात, ठीक है। बाकी वो लोग का जो मैं बताया उनका सिलेक्शन परसेंट कम ही रहेगा, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते इनके बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो देख सकते हैं ये आपके सामने क्या है, बेंच प्लेयर। अब इसमें है ये इम्पैक्ट प्लेयर डेविड विली आते ही कमाल कर दिया, इनको इम्पैक्ट में डाल दिया सब भाई, क्या कमाल है भाई टीम का, है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ठो फटाक से, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अब स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर,
मोहम्मद सिराज, वाइने परनेल और विजय कुमार यशक। ठीक है, विजय कुमार व्यस्क, सॉरी यशक, यशक मैं बोल रहा था कब से, व्यस्क है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हर्षल पटेल, वाइने परनेल और मोहम्मद सिराज क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो मतलब इन सबको विकेट थोड़ा जल्द ज्यादा मिलने के चांसेस है। और रही बात यहाँ पर विजय कुमार की, तो ये स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है विकेट स्टार्टिंग में गिरते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एक आध दो विकेट झटक जाते हैं। अब इनको मिल जाएगा स्टार्टिंग की, इनको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है। तो मगर इसमें कंफर्म कौन जा रहा, हमारा मोहम्मद सिराज और वाइने परनेल, ये हमारा दो कंफर्म जा रहे हैं भाई। इनको स्टार्टिंग मिले चाहे डेथ मिले, मगर मिले तो सही। ओके, और चार चार ओवर इन लोग का फिक्स भी है, इसलिए हमारी टीम में ये सब दिखाई देने वाले हैं आपको। आगे अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कौन किसको किसको आउट कर रहा, प्लेयर बैटल। भाई विराट कोहली को कगिसो रबाड़ा, करण और चहर और बरार ये सब आउट करें, मगर सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, रबाड़ा। 35 बॉल फेंक करके 38 रन देकर के 4 बार आउट कर दिया। अब भाई रबाड़ा को अगर हम एक टीम में रखते हैं, एक टीम में विराट को रखते हैं, उसी जगह पर दोनों को सेम रखते हैं, ये थोड़ा सा टकराव वाला काम हो जाएगा, है ना। दोनों में से कोई एक मान लीजिए कगिसो को रखते हैं, विराट कोहली धुन देंगे तो उसमें लॉस हो जाएगा अपना, भाई कगिसो कोई पॉइंट नहीं देगा। अब भाई विराट कोहली को अगर कगिसो आउट करता है कगिसो, तो फिर उसमें लॉस हो जाएगा। इसलिए ये प्लेयर मैचअप लेकर के आया था, प्लेयर बैटल लेकर के आया था, उसके हिसाब से आप टीम अपना बनाएंगे। करण भी इनको 2 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सवेल को कौन आउट करता है, भाई रबाड़ा यहाँ पर देखे 2 बार इनको भी आउट किया हुआ है, और फिर इनको 2 बार कौन बरार भी आउट किया हुआ है, चहर भी 2 बार आउट किए हुए है ना, करण इनको 1 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस कौन करता है, रबाड़ा 3 बार इनको आउट किया है 33 बॉल पे, करण क्या है 2 बार आउट किए, फिर इनके पास सिंह और यहाँ पर चहर 1-1 बार आउट किया। ठीक है, दिनेश कार्तिक भी है कवक, रबाड़ा क्या है 41 बॉल फेंक करके 42 रन देकर 4 बार आउट किए, और रही बात चहर के तो 2 बार आउट किए, फिर यहाँ पर सिंह भी 2 बार आउट किए, फिर यहाँ पर करण भी 1 बार आउट किया। मतलब सबसे अधिक तगड़ा अगर दिखाई दे रहा है इसमें सब में तो कौन है, कगिसो रबाड़ा। तो क्यों ना हम कैप्टनसी दिया जाए एक बार को, चलिए एक टीम में कगिसो रबाड़ा को कैप्टनसी देख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक पॉइंट यहाँ पर विकेट जो है इन्हीं के नाम पर है, चार चार तीन तीन बार आउट करना एक ही खिलाड़ी को, एक ही आदमी कुछ कहलाता है कि नहीं। चलिए हम इसीलिए लेके जाने वाले हैं कगिसो रबाड़ा को, स्पेशल सी या भेसी देते हुए दिखाई देंगे हम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपना टेलीग्राम, जिसको जाना है भाई जाओ यहाँ पर लाइक वाइक सब करके अपना आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइन भी तो कर ही लेंगे, आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। कहाँ करना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया और सबसे ऊपर में है, और कहीं मत जाइएगा भाई, नहीं तो पैसा कौड़ी सब लेगा, तो हमको आके बताइएगा मत कि भैया पैसा लिया जा रहा, पैसा लिया जा रहा, हमको बहुत दुख होता है उस चीज से। ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं आपके लिए दिल से करते हैं पूरा, और सब कुछ फ्री करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास भाई पैसा कौड़ी का नाम मत गाइएगा। और एक तो आप मतलब बेवकूफी का हद हो गया, एक तो कमेंट हम देखे तो बोलता है भाई आप एक चैनल अपना अच्छा बनाए हो और एक मतलब पैसा लेने वाले चैनल। अरे अब ऐसा लोग का मन करता है कि क्या बताएं, मतलब बहुत बेकार लगता है सुन के भाई। मेरे पास एक ही चैनल है, इसी से आपको आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भाई। ठीक है, अगर नहीं आना तो और कहीं मत जाइए फालतू में, फालतू पैसा देने से मतलब नहीं है कहीं ना कहीं यार। ठीक है, लिंक वही डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, बस अब आपके सामने ये आ गया आपका टीम दोस्तों। ठीक है, इस टीम को आप देख लीजिए और एक स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए अपने पास। इसमें कौन कौन है भाई, कार्तिक है, धवन है, फाफ है, विराट है और शॉट है, मैक्सवेल है, राणा है और सॉरी राजा है, उसके बाद करण है, उसके बाद चहर, सिराज और पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने 3 टीम अभी के लिए बना के रखा हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अभी के लिए, बाकी लाइनअप जैसे ही आएगा उसमें मैं चेंज करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ फ्री, कोई चीज पैसा नहीं देना, बस प्रोवाइड करूंगा। एक वहां पर लाइक कर दीजिएगा, या कोई भी मैसेज जाता हो टेलीग्राम पे आपको एक लाइक, ये हार्ट इमोजी पीमोजी कुछ भी दे देना है, बस लगे कि हम उधर से कुछ मिल रहा है हमको, हम अगर दे रहे तो उधर से भी कुछ मिल रहा है, बाकी पैसा कौड़ी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा यार, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, जिससे कि सिल्वर प्ले बटन जल्दी आए। ठीक है, क्योंकि मेरा आधा दिमाग उसी में लगा हुआ भाई आजकल, सत्य बता रहा, पूरा एकदम जी जान से मेहनत कर रहा हूं। चल पहले उसको लाना है तो लाना है मेरे को, चाहे किसी भी हाल में लाना है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को शेयर भी कर दिया कीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, और हम हाँ नया चीज बताना चाहूंगा कि भाई हम फेसबुक पेज भी बनाया है, जिसमें अपना वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, सब कुछ इसमें आपसे लाइव बातें वगैरह करते हैं, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाइए और पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।